फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन बॉली मीडिया में, जहां होता है आपका एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। बॉलीवुड अदाकारा विद्या बालन काफी लंबे समय से पर्दे से दूर हैं। कोरोना में उनकी कुछ मूवीज दर्शकों के सामने आई थी, लेकिन वो सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई। एक वक्त था जब विद्या बालन की फिल्में सिनेमा घरों में धमाल मचाती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके फैंस उन्हें काफी मिस कर रहे हैं। विद्या बालन के फैंस का ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि उनकी अपकमिंग मूवी नियत सीधे सिनेमा घरों में रिलीज होगी। विद्या बालन की अपकमिंग मूवी नियत की रिलीज डेट भी जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार ये 7 जुलाई के दिन सिनेमा घरों में रिलीज होगी। बता दें कि अदाकारा विद्या बालन की अपकमिंग फिल्म नियत एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसकी कहानी में कई सारे किरदार दिखाई देंगे। ये किरदार मर्डर की वजह से शक के घेरे में है। इनमें से कौन असली मुजरिम है, फिल्म नियत इसी की जाँच करती हुई दिखाई देगी। विद्या बालन की नियत की कहानी काफी दमदार लग रही है। वो हमेशा से ही दमदार कहानियों के लिए जानी जाती रहती है, और नियत भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाती हुई दिखाई देगी। बता दें कि फिल्म नियत में अदाकारा विद्या बालन का लुक काफी अलग लग रहा है। उनके बाल आगे से छोटे छोटे हैं। विद्या फिल्मों के लिए लुक में एक्सपेरिमेंट करने से कभी नहीं कतराती हैं। नियत में उनका लुक देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अपने को काफी अलग दिखाएंगी। बिल्कुल, आप कितने एक्साइटेड विद्या बालन का नियत मूवी में देखने के लिए हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें, और इसी तरह की ताजा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।